हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। एओडी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। किसी भी ग्राफ में है ना मैक्सिमा निकालना और मिनिमा निकालना है ना, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपन करते हैं है ना। तुमने फिजिक्स में बहुत सारी जगह इस कंसेप्ट का यूज भी किया है, ऑलरेडी अपन यूज कर चुके हैं ना। रेंज निकालते थे फंक्शन की, उसमें भी अपन ने इस फंक्शन का है ना, इस टॉपिक का अपन ने यूज किया है। ठीक है, तो ये काफी यूज ऑलरेडी अपन ये टॉपिक बहुत सारी जगह पढ़ चुके हैं ना। तो फिजिक्स में पढ़ चुके हैं अपने, अपन ने जो रेंज पढ़ा था रेंज में पढ़ चुके हैं। वहां पे अपन ने कोई डेफिनेशन की बात नहीं करी थी, वहां पे सिंपल अपन ग्रेटेस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। यहां पे अपन कुछ डेफिनेशन पहले लिखने वाले हैं, कि कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजी इस टॉपिक में अपन यूज करेंगे। लोकल मैक्सिमा जैसे लोकल मिनिमा है ना, लोकल एक्सट्रीमा है ना, लोकल एक्सट्रीमा भी होता है, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ये कुछ टर्मिनोलॉजी अपन यूज करने वाले हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी की पहले अपन डिफाइन करेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या है। तो पहले अपन सिंपली समझते हैं कि व्हाट इज लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या है, अपनी लोकेलिटी में, अपनी लोकेलिटी में वो क्या है, मैक्सिमम है ना। उसके आजू बाजू में जो वैल्यू मिलने वाली है, यदि x इज इक्वल टू c पे लोकल मैक्सिमा, इसका मतलब क्या है, उसके आजू बाजू में जो वैल्यू मिलने वाली है उससे उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू c पे क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। लोकल मिनिमा का मतलब क्या है, उसके आजू बाजू में जो रहते हैं, उसके आजू बाजू में जो वैल्यू मिलने वाली है, x इज इक्वल टू सी पे मान लो लोकल मिनिमा, इसका मतलब क्या है, उसके आजू बाजू में जो वैल्यू मिलने वाली है उससे उसकी वैल्यू क्या है, कम है। वो लोकल मिनिमम है ना, अपनी लोकेलिटी में वो मिनिमम है ना, अपनी लोकेलिटी में मैक्सिमम है तो उसको लोकल मैक्सिमा बोल देते हैं, अपनी लोकेलिटी में मिनिमम है उसको अपन क्या बोल देते हैं, लोकल मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब क्या है, जिस इंटरवल की अपन बात कर रहे हैं उस इंटरवल में जो ग्रेटेस्ट है, तो उस पॉइंट पे अपन बोलते हैं दैट पॉइंट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, और जो उस इंटरवल पे मिनिमम है उस पॉइंट पे अपन क्या बोल देते हैं, ग्लोबल मिनिमा। तो ये टर्म यूज करते हैं अपन, और एक और टर्म यूज करते हैं लोकल एक्सट्रीमा, ग्लोबल एक्सट्रीमा या लोकल एक्सट्रीमा। लोकल एक्सट्रीमा का मतलब क्या है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दोनों ही आ जाते हैं एक्सट्रीमम वैल्यू, बेसिकली लोकल एक्सट्रीमा। तो शुरू करते हैं अपन डेफिनेशन के साथ। यहां पे डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, डेफिनेशन अपने को एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि उसी पे बेस पे है ना प्रॉब्लम वेरी कर सकते हैं। प्रॉब्लम ना, फंक्शन डिफरेंशियबल हो सकता है, फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल हो सकता है, फंक्शन कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कुछ भी हो सकता है ना, फंक्शन कैसा भी हो सकता है। यदि डेफिनेशन अपने क्लियर है तो अपने को मैक्सिमा मिनिमा में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो समझते हैं अपन इसकी डेफिनेशन। पहले सबसे पहले लोकल है ना, लोकल मैक्सिमा, व्हाट इज लोकल मैक्सिमा ये देखते हैं। लोकल मैक्सिमा किसी पॉइंट, लोकल मैक्सिमा बोलो चाहे इसको अपन मैक्सिमा भी बोल सकते हैं है ना, फंक्शन का क्या है उस पॉइंट पे मैक्सिमा। इसको अपन रिलेटिव मैक्सिमा भी बोलते हैं, सबका मतलब सेम है। जनरली जो टर्म यूज करते हैं मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमा, ये दो टर्म यूज करते हैं अपन है ना। तो डेफिनेशन क्या बच्चों, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ एफ ऑफ सी इज ग्रेटेस्ट इन इट्स नेबरहुड इंटरवल। इन इट्स नेबरहुड इंटरवल सी माइनस एच सी प्लस एच है ना, वेर एच इज ग्रेटर देन जीरो। क्या बोल रहे हैं, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ एफ ऑफ सी इज ग्रेटेस्ट इन इट्स नेबरहुड इंटरवल है ना, सी के आजू बाजू में है ना, सी माइनस एच सी प्लस एच पे गए अपन, और अपन ने देखा कि जो एफ ऑफ सी की वैल्यू आने वाली है वो उस इंटरवल में ग्रेटेस्ट है।
समझ में आ रही है बात, है ना? तो क्या बोल रहे हैं अपन, जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो अपन ने क्या बोला, x इज इक्वल टू c पे यदि बात करें, c के आजू बाजू में एक इंटरवल लिया c माइनस एच सी प्लस एच, इस इंटरवल में देखें तो f ऑफ c क्या है, ग्रेटेस्ट है, है ना? f ऑफ c क्या है, ग्रेटेस्ट है। अपन बोल सकते हैं कि f ऑफ c इज ग्रेटेस्ट का मतलब हो गया f ऑफ c इज ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस एच ग्रेटर देन f ऑफ c प्लस एच। ये कंडीशन है ना, दोनों आजू बाजू में दोनों में जो वैल्यू मिलने वाली है, x इज इक्वल टू c के अगल बगल में जो वैल्यू मिलने वाली है वो f ऑफ c से क्या होगी, कम, चाहे राइट में जाए चाहे लेफ्ट में जाए, दोनों तरफ वैल्यू जो है वो कम है। तो इस पॉइंट पे अपन क्या बोल देते हैं, ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना? ये क्या है, पॉइंट ऑफ, है ना? यहां पे अपन बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू c इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। समझ में आ रही है बात? और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे x इज इक्वल टू सी पे ये सिनारियो, x इज इक्वल टू सी पे मान लो ये सिनारियो है, तो अपन बोलेंगे कि इस c के आजू बाजू में एक छोटा सा इंटरवल लिया नेबरहुड में जस्ट, तो f ऑफ c क्या है बच्चों, f ऑफ c इज ग्रेटेस्ट। c प्लस एच पे जाओ चाहे c माइनस एच पे जाओ, f ऑफ c क्या है बच्चों, ग्रेटेस्ट। हेंस x इज इक्वल टू सी पे क्या है बच्चों, लोकल मैक्सिमा। तो अपन बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड f ऑफ c इज वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना, वैल्यू एट लोकल मैक्सिमा। f ऑफ c तो क्या है, वो वैल्यू है, और x इज इक्वल टू सी क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो x इज इक्वल टू सी पे अपने को क्या दिख रहा है बच्चों, x इज इक्वल टू सी के आजू बाजू में अपन ने क्या लिया, एक इंटरवल लिया। अब f ऑफ c की बात करें तो f ऑफ c माइनस h से भी बड़ा है वो, और f ऑफ c प्लस h से भी क्या है बच्चों, बड़ा है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, f ऑफ c पे क्या होगा, x इज इक्वल टू c विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू लोकल मैक्सिमा, है ना? x इज इक्वल टू c विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू लोकल मैक्सिमा, है ना? इसको बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्लियर है पॉइंट? समझ में आ रही है बात, है ना? सो दिस इज द केस। सिमिलरली अपन बात करते हैं किसकी, लोकल मिनिमा की। लोकल मिनिमा में क्या होगा, लोकल मिनिमा और मिनिमा दोनों का मतलब एक ही है। ए फंक्शन f(x) इज सेट टू हैव लोकल मिनिमा मिनिमा एट x इज इक्वल टू c इफ f ऑफ c इज ग्रेटेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, f ऑफ c इज लीस्ट और मिनिमम इन इट्स नेबरहुड इंटरवल c माइनस एच c प्लस एच। एग्जाम्पल के लिए अपन देखें, है ना, नेबरहुड इंटरवल में f ऑफ c क्या है, मिनिमम होना चाहिए। जैसे है ना, यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, इस नेबरहुड इंटरवल की बात करें तो f ऑफ c क्या है, f ऑफ c लेस देन है f ऑफ c माइनस h से भी और f ऑफ c प्लस एच से भी। ठीक बात, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ, है ना, एक्स इज इक्वल टू सी को बोल सकते हैं अपन पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ऐसे ही सिमिलर वे में इसकी यदि बात करें,
तो ये क्या बच्चों, x इज इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना। आजू बाजू में वैल्यूज देगी तो f ऑफ c की वैल्यूज से क्या है, दोनों ज्यादा है तो f ऑफ c इज मिनिमम। क्लियर है बात। ये पॉइंट है f ऑफ c। तो x इज इक्वल टू सी पे अपने को क्या दिख रहा है, आजू बाजू में देखा तो f ऑफ c से दोनों वैल्यू, c प्लस एच देखो चाहे c माइनस एच देखो, दोनों क्या है ज्यादा, तो हम बोल सकते हैं कि f ऑफ c प्लस एच भी इससे बड़ा है और f ऑफ c माइनस एच भी इससे बड़ा है f ऑफ c से। तो f ऑफ c क्या है बच्चों, f ऑफ c इज मिनिमम। इज मिनिमम एंड x इज इक्वल टू c इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। अच्छा, और अपन क्या बोल सकते हैं कि कुछ और एग्जांपल लेते हैं, उसमें अपने को यह बताना है कि यह क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या मैक्सिमा है, देखते हैं ना। ना वो ये वो तीसरा केस है जहां पे अपन बात कर रहे हैं, चलो यही डिस्कस करते हैं अपन। फर्स्ट क्या है बच्चों, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा x इज इक्वल टू सी पे क्या बोल सकते हैं अपन, ये फंक्शन क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू सी पे f ऑफ c इज ग्रेटर देन, यहां पे क्या है f ऑफ c इज ग्रेटर देन f ऑफ c माइनस h इज ग्रेटर देन f ऑफ c प्लस h। तो ये तो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहां पे क्या है नाइदर मैक्सिमा, है ना, नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा, इस पॉइंट के अबाउट नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा। इस पॉइंट पे भी देखो अपन, यहां पे भी क्या है एफ ऑफ, ये सेम बात यहां पे वैलिड हो रही है क्या, एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी माइनस एच इज लेस देन एफ ऑफ सी प्लस एच। तो ये भी क्या है पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा, है ना, नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा, ठीक है, या नन बोल सकते हैं अपन, है ना, नथिंग, ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। यहां पे भी अपन बात करें ये सेम सिनारियो है नन। इस वाले में बात करते हैं x इज इक्वल टू सी पे बच्चों, बात कर रहे हैं किस पे, x इज इक्वल टू सी पे। अब x इज इक्वल टू सी के अबाउट देखो क्या सिनारियो है, अपन क्या बोल सकते हैं कि f ऑफ c क्या है, यहां पे f ऑफ c इज ग्रेटर देन f ऑफ c माइनस h, है ना, f ऑफ c इज ग्रेटर देन f ऑफ c माइनस h ग्रेटर देन f ऑफ c प्लस h, बोल सकते हैं बोलो, है ना, सही है बात। तो यहां पे ये क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना, ये क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना, दिखने में ये क्या दिख रहा है, ये तो मिनिमा वाला वैल्यू है ना, बट इसके आजू बाजू की वैल्यू से एफ ऑफ सी का क्या सिनारियो है, एफ ऑफ सी
इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी माइनस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी प्लस एच, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर है बात? तो यहां पे एक्स इज इक्वल टू सी क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहां पे देखो है ना, ये से दिखने में तो मैक्सिमम दिख रहा है, बट एफ ऑफ सी के क्या सिनेरियो है, एफ ऑफ सी इज यहां पे लिस्ट है एफ ऑफ सी, अपने आजू बाजू की वैल्यूज में से एफ ऑफ सी की वैल्यू देखें तो एफ ऑफ सी की वैल्यू अपने आसपास की वैल्यू से कम है, तो एफ ऑफ सी अपने आसपास की वैल्यू से क्या है बच्चों, कम है। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। x इज इक्वल टू सी यहां पे क्या है, लोकल मिनिमा। सिमिलरली ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्लियर है पॉइंट? x इज इक्वल टू ए यहां पे, ये जो पॉइंट की बात कर रहे हैं ये क्या है, लोकल मिनिमा। तो आई होप समझ में आ गई होगी डेफिनेशन का, डेफिनेशन क्या बोलना चाह रहे हैं लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा की। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्लोबल मैक्सिमा की। ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव ग्लोबल मैक्सिमा है ना, सेट टू हैव ग्लोबल मैक्सिमा इफ इफ ग्लोबल मैक्सिमा ऑन इंटरवल ए है ना, किसी ई इंटरवल में उसका ग्लोबल मैक्सिमा होगा या नहीं होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, ये अपन अब आगे डिस्कस कर रहे हैं। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू हैव ग्लोबल मैक्सिमा ऑन इंटरवल ए इफ If there exist at least one C belongs to E for which F of X will be less than equal to F of C For all x belongs to E। क्या मतलब हुआ इसका वो समझते हैं है ना, कम से कम एक ऐसा C एग्जिस्ट करना चाहिए ना, x की वैल्यू x इज इक्वल टू C, जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू उस इंटरवल में कोई भी f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू निकाले तो f ऑफ C विल बी मैक्सिमम है ना, f ऑफ C विल बी ग्रेटेस्ट इन द होल इंटरवल, f ऑफ C विल बी ग्रेटेस्ट है ना। तो अपन बोलेंगे कि उस इंटरवल E पे ये x इज इक्वल टू सी क्या है, x इज इक्वल टू सी क्या है, ग्लोबल मैक्सिमा। देन अपन क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू सी विल बी ग्लोबल मैक्सिमा ओवर E है ना, उस इंटरवल में x इज इक्वल टू सी क्या है, जिस सेट की बात कर रहे हैं अपन, जिस इंटरवल की बात कर रहे हैं उस इंटरवल पे x इज इक्वल टू सी क्या होगा, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा है ना, विल बी पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा ओवर E। और f ऑफ c क्या है, f ऑफ c इज वैल्यू ऑफ ग्लोबल मैक्सिमम। समझ में आ रही बात, बहुत ही सिंपल है, सिंपल सी डेफिनेशन है ना। बहुत सारे लोकल मैक्सिमा मिनिमा तो बहुत सारे हो सकते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब क्या है ना, उन सब का राजा एक तरीके से है ना, सबसे बड़ी वैल्यू है ना, उस इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू, उसको अपन क्या बोल देते हैं। इसमें टेक्निकली थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टेक्निकली यही डेफिनेशन है ना, उस इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू सी जो पॉइंट है उस इंटरवल में होना चाहिए will be global maximum over E है ना। इसको अपन समझाएंगे अभी एग्जाम्पल की हेल्प से, देखते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्लोबल मिनिमा की, डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले। ग्लोबल मिनिमा किसको बोलते हैं, एफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू हैव ए ग्लोबल मिनिमा इफ
मिनिमा ऑन इंटरवल ई इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ई फॉर विच। यहां पे f ऑफ x लेस देन इक्वल टू f ऑफ c था, यहां क्या आ जाएगा f ऑफ x हमेशा क्या होना चाहिए f ऑफ c से बड़ा होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e, है ना। x की हर वैल्यू के लिए f ऑफ x अब f ऑफ c से क्या होना चाहिए बड़ा, तो उस समय अपन क्या बोलेंगे कि f ऑफ c क्या है उसकी मिनिमम वैल्यू है उस इंटरवल में, और x इज इक्वल टू c पॉइंट को अपन क्या बोलते थे ग्लोबल मिनिमा। क्लियर है पॉइंट? तो कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं अपन। है ना, लोकल एक्सट्रीमा या एक्सट्रीमा किसको बोलते हैं अपन, किसको बोलते हैं अपन, है ना, ऑल दी लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा और कॉल्ड लोकल एक्सट्रीमा और एक्सट्रीमा या एक्सट्रीमम, है ना। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा, इनका मतलब क्या है, ऑल दी लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा दोनों को अपन क्या बोल देते हैं एक्सट्रीमा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ऐसा हो सकता है कि जो ग्लोबल मैक्सिमा हो वो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का पॉइंट भी हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है ना, जो ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा का पॉइंट है वो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का पॉइंट भी हो सकता है ना। लोकल का मतलब हो सकता है ना ऐसा कि जो लोकल, जो लोकलिटी में बहुत बड़ा आदमी है, या अपन बोल सकते हैं कि जो लोकलिटी में पावरफुल है वो पूरे संसार में पावरफुल हो, है ना, ग्लोबल उस इंटरवल में भी तो पावरफुल हो सकता है। तो लोकलिटी का जो शेयर है वो गली का शेयर हो सकता है कि पूरे कंट्री का शेयर हो। क्लियर है पॉइंट? पूरे जंगल का शेयर हो सकता है ना, उस गली का तो वो राजा है ही, है ना, पूरे उसका भी राजा हो सकता है। तो लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा भी हो सकते हैं, उसमें कोई अपने को दिक्कत नहीं है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं उससे अपन समझते हैं। ठीक है, अपने को निकालना है फाइंड ऑल दी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। तो देखते हैं अपन, तो ये एक ग्राफ है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो अपने को बताना है कि कौन कौन से पॉइंट लोकल मिनिमा के हैं, कौन कौन से पॉइंट लोकल मैक्सिमा के। ये वाला पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा कौन कौन है, लोकल मैक्सिमा है x इज इक्वल टू बी, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या क्या है, x इज इक्वल टू बी, है ना, x इज इक्वल टू बी पे अपन अब b के आसपास की दुनिया को देखेंगे अपन, है ना, उसके अलावा अपने को कोई मतलब नहीं है। x इज इक्वल टू सी के आसपास की दुनिया देखेंगे तो c के आसपास में उससे ज्यादा है, फिर x इज इक्वल टू डी, ये क्या है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, आसपास की दुनिया उससे कम है। फिर x इज इक्वल टू f, आसपास की दुनिया उससे कम है। ठीक है, एंड पॉइंट का भी अपन डिस्कशन करेंगे कि एंड पॉइंट पे अपन कैसे देखेंगे, है ना, एंड पॉइंट a और h पे कैसे देखेंगे ये भी अपन देखेंगे। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कौन कौन से होंगे बच्चों, x इज इक्वल टू c पे अपन बात करते हैं तो c के आजू बाजू में जो वैल्यू है वो f ऑफ c विल बी मिनिमम। यहां पे यदि बात करते हैं तो f ऑफ e विल बी मिनिमम, तो x इज इक्वल टू e। यहां पे यदि बात करें तो x इज इक्वल टू g विल बी मिनिमम। डिफरेंशियबल होना कोई जरूरत नहीं है, है ना, डिफरेंशियबल होना कोई कंपल्सरी नहीं है, बट उस पर डोमेन में होना चाहिए पॉइंट,
है ना, मान लो ऐसा है ग्राफ, ये पॉइंट है ही नहीं, ये x इज इक्वल टू सी पे, तो क्या x इज इक्वल टू सी पे पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा होगा क्या? है ना, मान लो ऐसा ही ग्राफ, मान लो इस पे गोला है, क्या x इज इक्वल टू सी पे लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा होगा क्या? कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है ना? नो पॉसिबिलिटी, ये नॉनसेंस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, है ना। लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा की बात ही अपन तब करते हैं व्हेन x इज इक्वल टू सी इन इट्स डोमेन, डोमेन में होगा तभी बात करेंगे, उसके अलावा अपने को कोई मतलब नहीं है उस पॉइंट पे, है ना। अब अपन बोलते हैं एंड पॉइंट पे, तो एंड पॉइंट्स के लिए बच्चों क्या डेफिनेशन है, एंड पॉइंट्स के लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमम के लिए क्या डेफिनेशन है, है ना, चेक टेक एप्रोप्रिएट साइडेड इंटरवल फॉर एंड पॉइंट्स, फॉर एंड पॉइंट्स मतलब क्या इसका, यहां पे इसकी बात करें, अब इसके इधर तो ग्राफ है ही नहीं ना, तो अपन बोल सकते हैं कि इसके आजू बाजू में जो भी वैल्यू है उससे तो ये क्या है, कम है, तो इस पॉइंट पे ये बच्चों क्या है, इस पॉइंट पे ये बच्चों क्या है, इस पॉइंट पे ये है लोकल मिनिमा, इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू a पे क्या है बच्चों, लोकल मिनिमा, क्योंकि इसके आजू बाजू में यदि कोई वैल्यू है उससे ये क्या है, कम ही है, इधर तो है ही नहीं, तो इस वाली वैल्यू से ये क्या है, कम है, तो यहां पे क्या है बच्चों, ये लोकल मिनिमा। सिमिलरली इस पॉइंट पे यदि बात करें तो इसके आजू बाजू वैल्यू से ये क्या है, ज्यादा है, f ऑफ h क्या है, वैल्यू ज्यादा है यहां से, तो ये क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो x इज इक्वल टू h को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर है पॉइंट एंड पॉइंट का। अब एंड पॉइंट पे अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एंड पॉइंट पे अलग से एंड पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। ये क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, बोलो, इसके आगे ग्राफ ही नहीं है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू सी पे जो वैल्यू है ना, इस इंटरवल की यदि बात करें तो उसमें क्या है, मैक्सिमम है, उस इंटरवल के लिए बात करें तो क्या है, मैक्सिमम है। ऐसे ही अपन बात करें, ये क्या है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इस इंटरवल में क्या है, ये सबसे कम है वैल्यू। समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपन चेक करते हैं बच्चों, है ना। एंड पॉइंट यदि इसी के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा, है ना, लोकल मिनिमा। ये क्या, लोकल मैक्सिमा। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है बात, तो काफी आसान है ये, ऐसा नहीं है कि अपने को आती नहीं ये चीजें, समझना बहुत ही आसान है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से अपन जाए। अब इसमें बात करते हैं अपन ग्लोबल मैक्सिमा क्या है, है ना, ग्लोबल मैक्सिमा पॉइंट ऑफ, है ना, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। तो सबसे बड़ी वैल्यू है ना x इज इक्वल टू उस इंटरवल में, इस इंटरवल में a टू h इंटरवल की अपन बात कर रहे हैं, a टू h क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है x इज इक्वल टू d पे, तो x इज इक्वल टू d इज पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। सिमिलरली पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा क्या होगा बच्चों, ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू e पे, होगा पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा। समझ में आया, आई होप दिस इज क्लियर। और ये दोनों, इन दोनों को ही, अब इसमें कोई बोलेगा कि सर लोकल मैक्सिमा भी है x इज इक्वल टू डी पे और ग्लोबल मैक्सिमा भी है, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्लोबल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा दोनों हो सकते हैं सेम पॉइंट पे। अरे भाई, जो पूरी पूरे इंटरवल में सबसे ज्यादा है, अपनी लोकलिटी में तो ज्यादा होगा ही ना, तो ग्लोबल मैक्सिमा तो होगा ही, वो उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी लोकल मैक्सिमा है ना, जितने भी लोकल मैक्सिमा है उन सब में जो सबसे ज्यादा तेज होगा उसको अपन क्या बोल देंगे, ग्लोबल मैक्सिमा, है ना। समझ में आ रही बात,
कंसेप्चुअल है, देखो डेफिनेशन की क्लियरिटी होनी चाहिए, डेफिनेशन क्लियर है तो कोई डाउट नहीं आएगा, और यदि अपने मन से फंडे बनाने लग गए तो फिर डाउट आना शुरू हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी डेफिनेशंस, इसलिए मैंने पूरी डेफिनेशन लिखाई है, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं अपन, है ना, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू सी, फाइंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमास। x इज इक्वल टू ए पे अपन क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा? x इज इक्वल टू ए पे बच्चों क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि f ऑफ ए क्या है, मैक्सिमम है आजू बाजू में। यहां पे क्या बोलेंगे बच्चों, ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि आजू बाजू में जो भी वैल्यू है एक्स एफ ऑफ बी विल बी मैक्सिमम। यहां पे क्या बच्चों, है ना, एफ ऑफ सी इज मिनिमम, सो दिस इज लोकल मिनिमा। समझ में आ रही बात, दिस इज लोकल मिनिमा। Find local extremas and global maxima and minima. अब x is equal to 1 की यदि बात करें, x is equal to 1 पे अपन ये बोल सकते हैं क्या local minima होगा या local maxima होगा? x is equal to 1 तो domain में ही नहीं है, तो x is equal to 1 पे कोई extrema नहीं होगा, ना तो इस पे local minima है ना local maxima है। यदि local minima local maxima दोनों ही नहीं है तो ये global का तो कोई बात ही नहीं करते। global में क्या है, that E must belong to, अपने को क्या निकालना है, find, है ना, global maxima और global minima in the interval 1 to 4, ठीक है। इस function के लिए अपन बात करेंगे, तो 1 to 4 ओपन में ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा की यदि बात करते हैं, पहले लोकल की बात कर लेते हैं। ये भी अपन बोलेंगे कि ये वाला एंड पॉइंट भी ना तो लोकल मिनिमा है ना लोकल मैक्सिमा, क्योंकि ये पॉइंट डोमेन में ही नहीं है। अब बात करते हैं x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे अपने को समझ में आ रहा है कि क्या है लोकल मिनिमा, और x इज इक्वल टू 3 पे क्या है बच्चों, लोकल मैक्सिमा। अब अपन बोलते हैं कि अच्छा ग्लोबल मैक्सिमा के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, वॉट इज ग्लोबल मैक्सिमा एंड वॉट इज ग्लोबल मिनिमा। डेफिनेशन क्या बोलती है, एक ऐसा सी होना चाहिए, एक ऐसा सी होना चाहिए उस इंटरवल पे, है ना, एक ऐसा सी होना चाहिए उस इंटरवल पे, सच दैट एफ ऑफ सी इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, तो ये क्या है ग्लोबल मिनिमा। तो इस इंटरवल में ऐसा कोई ऐसा सी है क्या जिसके लिए f of c is less than equal to f of x, क्या ऐसा है? कोई बोलेगा कि सर ग्लोबल मिनिमा की बात करते हैं, x is equal to 4 ले लेते हैं। अरे x is equal to 4 तो उसकी डोमेन में ही नहीं है ना, तो क्या 4 इस इंटरवल में है? नहीं है, तो एक ऐसा पॉइंट खोजो देखें जिसके लिए सर 4 से जरा सा छोटा। अब जरा सा छोटा मैथ्स में कुछ नहीं होता, पॉइंट की बात करो, x is equal to कोई पॉइंट अपन ले पा रहे हैं क्या, है ना, इसमें कोई ऐसा पॉइंट अपन नहीं ले पा रहे जिसके लिए f of c is less than equal to f of x होगा। कोई बोलेगा कि सर f of 4 ही ले लेते हैं, बट f of 4 इज नॉट इन डोमेन, डोमेन में ही नहीं है वो पॉइंट, f of 4 तो डिफाइन ही नहीं है, तो अपन ऐसे बोलेंगे कि अच्छा ऐसा कोई इन दोनों में से कोई ले लेते हैं। अब यदि ये ले लिया तो अपन बोलेंगे कि इससे छोटी वैल्यूज भी है, तो क्या अपन इस पॉइंट के लिए f of 2 के लिए ये बोल पाएंगे कि f of 2 will be less than equal to f of x for all x belongs to
1 to 4 नहीं बोल पाएंगे ना, ये मिनिमम नहीं है उसमें, पूरे इंटरवल में 1 to 4 में ये ग्लोबल मिनिमा नहीं है, इसी पे पॉसिबिलिटी बनती थी, और ये क्या है, ये डोमेन में ही नहीं है। तो ग्लोबल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट, ग्लोबल मिनिमा अपन क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ में आ रही बात, यहां पे ग्लोबल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है पॉइंट। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए ग्लोबल, इस इंटरवल के लिए ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, समझ में आ रही है बात, बोलो, फॉर दिस इंटरवल ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाई, बिकॉज यदि इसको अपन ने ग्लोबल मैक्सिमा ले लिया तो ये पॉइंट तो उससे ज्यादा है ना, एफ ऑफ सी इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, इसके लिए क्या होना चाहिए, हर सी के लिए एफ ऑफ सी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ऐसा तो नहीं है ना इसमें, तो समझ में आई बात। सो आई होप ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा की तुम्हारे को डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है क्या अपन बोलना चाह रहे हैं। अब अपन आते हैं प्रॉब्लम्स पे, है ना, प्रॉब्लम्स कैसे इनकी करते हैं। अब प्रॉब्लम में क्या है कि अपन ग्राफ तो बना नहीं सकते ना हर बार, भाई कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें हर बार अपन ग्राफ बना लेंगे क्या, बोलो। अब ग्राफ नहीं बना सकते हैं तो कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ ना कुछ वे होना चाहिए, यहीं पे आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डिस्कशन करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा डिस्कशन, या डिस्कशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू बी यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस फंक्शंस। जो फंक्शन कंटिन्यूअस है उनके लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्लियर है पॉइंट। अब ये वाला मेथड अपन बोर्ड में नहीं लगा सकते, है ना, है ना, डोंट यूज इन बोर्ड्स, है ना, तुम्हारे जो 12th बोर्ड्स होंगे इसमें ये वाला मेथड अपन को नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब एनसीईआरटी में इससे करना अपने को नहीं बताया हुआ, ठीक है, बट अपन तो जेई की पढ़ाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमा की, है ना, सबसे पहले बात करते हैं लोकल मैक्सिमा की, बोलो। एक फंक्शन है मान लो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, है ना, एक फंक्शन मान लो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, तो यदि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों हुआ तो अपन बोलेंगे कि इसमें मैक्सिमा कब होगा, एक्स इज इक्वल टू सी पे मैक्सिमा कब होगा, इधर स्लोप क्या दिख रही है अपने को, पॉजिटिव दिख रही है क्या, कोई भी अपन ने पॉइंट उठाया उसकी स्लोप क्या मिलेगी, इस साइड में स्लोप क्या मिलेगी, पॉजिटिव स्लोप टेंजेंट की, है ना, इधर टेंजेंट की स्लोप क्या मिलने वाली है बच्चों, नेगेटिव, ठीक बात। तो अपन बोलेंगे कि एक्स इज इक्वल टू सी के अबाउट टेंजेंट की स्लोप वेरी कर रही है, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, तो अपन बोल सकते हैं क्या कि डी वाई बाई डी एक्स जो भी है ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएबल, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स चेंजेज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव, है ना, यहां पे स्लोप क्या है पॉजिटिव, यहां पे स्लोप क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, एक्स में यदि लेफ्ट टू राइट में मूव करूं तो स्लोप क्या है पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, इस केस में अपने को क्या दिख रहा है बच्चों, इस केस में क्या दिख रहा है, मैक्सिमा। और एफ डैश सी क्या है, एफ डैश सी है इज इक्वल टू जीरो, यदि फंक्शन क्या है डिफरेंशियबल है, तब की बात कर रहा हूं, है ना, फंक्शन इज डिफरेंशियबल देन एफ डैश सी इक्वल टू जीरो,
एफ डैश सी इक्वल टू जीरो इफ फंक्शन इज डिफरेंशियबल, तो ये इसकी क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, एफ डैश सी जीरो होना चाहिए, ठीक, इफ फंक्शन इज डिफरेंशियबल। तो dy by dx changes its sign from positive to negative when we move from left to right, तो ये लोकल मैक्सिमा है। ये अपन बोल सकते हैं कि अच्छा ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें इस टाइप का फंक्शन है, इस पॉइंट पे ये क्या है, फंक्शन नॉट डिफरेंशियबल है, x is equal to c पे फंक्शन क्या है बच्चों, नॉट डिफरेंशियबल, तो कंटिन्यूअस फंक्शन तो है ना, ये स्लोप पॉजिटिव स्लोप है, इधर इधर स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये पॉइंट क्या होगा, x is equal to c will be पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बट क्या नहीं होगा, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल नहीं है, ये फंक्शन क्या है, x is equal to c पे बताओ, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे अपन बोलेंगे कि अच्छा इस इंटरवल के आसपास यदि बात करें, क्योंकि इसमें आप ये डेफिनेशन नहीं लगाएंगे, है ना, यहां पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, एफ डैश की बात करेगा तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहां पे एफ डैश पॉजिटिव है, अच्छा इसको मैं नेगेटिव कर लेता हूं, ठीक बात, और यहां पे एफ डैश क्या है, नेगेटिव है, तो एफ डैश तो पॉजिटिव से क्या हो रहा है, नेगेटिव, बट ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल, है ना, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, क्योंकि ये पॉइंट पे x इज इक्वल टू सी पॉइंट पे इसके आजू बाजू में वैल्यू देखेंगे तो ये क्या है, मिनिमा का पॉइंट है, समझ में आ रही बात, ये क्या है, मिनिमा का पॉइंट है। तो इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस देन वी विल चेक फ्रॉम बेसिक डेफिनेशन, समझ में आ रही बात, क्या कीवर्ड याद रखेंगे, इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस then we will check from basic definition, otherwise क्या कर सकते हैं अपन, इस definition का use कर सकते हैं। In general अपने को जो जिन functions अपन deal करते हैं वो generally differentiable function अपने को given होते हैं, non differentiable function या discontinuous function है तो उसके लिए basic definition अपन जानते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी है लोकल मैक्सिमा की, कि फर्स्ट डेरिवेटिव से अपन लोकल मैक्सिमा कैसे बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लोकल मिनिमा फ्रॉम फर्स्ट डेरिवेटिव, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा का फंडा क्या, देखो इस पॉइंट पे अपने को पता है लोकल मिनिमा है, तो एफ डैश सी एट दिस पॉइंट क्या होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो इफ फंक्शन इज डिफरेंशियबल, है ना, एफ ऑफ एक्स अपने को क्या दिया हुआ, यदि एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियबल दिया हुआ तो वी कैन राइट कि एफ डैश सी जीरो होना पड़ेगा लोकल मिनिमा के लिए, है ना, क्लियर है बात, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो तो होना ही पड़ेगा इफ फंक्शन इज डिफरेंशियबल। है ना, ये बात तो पक्का है, और क्या कर, और क्या एफ डैश एक्स है क्या बोल सकते हैं अपन, इसके इधर वैल्यू देखो, इसके इधर वैल्यू देखो, ये जो है ना, ये थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, तो इसकी स्लोप बच्चों क्या दिख रही है अपने को, इस लाइन की स्लोप, ये लाइन की स्लोप क्या दिख रही है, यहां पे टेंजेंट की स्लोप दिख रही है नेगेटिव, यहां पे ये टेंजेंट की स्लोप क्या दिख रही है बच्चों, पॉजिटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स या स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, रटना नहीं है इसमें, देख लो ये स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप है, देखो यहां पे स्लोप क्या दिख रही है अपने को, पॉजिटिव स्लोप, यहां पे थीटा क्या है एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट, यहां पे थीटा क्या है एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस, तो इफ डी वाई बाई डी एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव व्हेन वी go from left to right,
है ना, लेफ्ट टू राइट पे जाने पे नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो अपन क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट पे क्या होगा, लोकल मिनिमा, है ना, दिस पॉइंट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू, है ना, देन एक्स इज इक्वल टू सी विल बी लोकल मिनिमा। समझ में आ रही बात? ऐसे सेकंड केस इसमें ये ले लेते हैं, यहां पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है ना, यहां पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा बच्चों, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक बात, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें, तो ये यहां पे अपन क्या बोलेंगे, ये क्या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, बट स्लोप कहां से चेंज हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, तो अपन बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो यहां पे ये वाली बात एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है बात, तो ये क्या बच्चों, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि आजू बाजू में जो वैल्यू है ना, बेसिक डेफिनेशन से जाएंगे अब यहां पर, है ना, यूज बेसिक डेफिनेशन, क्योंकि आजू बाजू में जो भी है वैल्यूज उससे एफ ऑफ सी क्या है, बड़ा ही है, तो एफ ऑफ सी इज लोकल मैक्सिमा, है ना, वी विल यूज पॉइंट बेसिक डेफिनेशन हियर। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो डी वाई बाई डी एक्स का यूज क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का साइन चेंज हुआ तो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा से कोई में से कोई हो, एक होगा कंटिन्यूस फंक्शन के लिए, है ना, साइन चेंज होना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो मिनिमा होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसी बात कर रहे हैं अपन, नेगेटिव से पॉजिटिव पे मिनिमा होगा और पॉजिटिव से नेगेटिव पे मैक्सिमा होगा। समझ आ रही? थर्ड केस है ना, जब साइन चेंज नहीं हो रहा उसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो क्या है, एक्स क्यूब फंक्शन, है ना, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, या टेन एक्स फंक्शन, है ना, माइनस टेन एक्स, या टेन एक्स फंक्शन ले लो, या अपन बोल सकते हैं कि ऐसा फंक्शन हो तो ये कोई भी केस अपन उठाया, इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, जीरो, है ना, एट एफ डैश जीरो क्या आ रहा है, जीरो, एफ डैश जीरो क्या आ रहा है, जीरो, है ना, अपन ने चेक किया एफ डैश जीरो जीरो है, ठीक है, एफ डैश जीरो जीरो है इस पॉइंट पे एक्स क्यूब के लिए। ठीक है, साइन क्या कर रहा है ये, साइन बच्चों ये पॉजिटिव है यहां पर, है ना, यहां पर कोई टेंजेंट बनाएंगे तो क्या आएगी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्लोप की टेंजेंट है, और इधर अपन ने टेंजेंट बनाई तो यहां पे भी क्या आएगी, पॉजिटिव स्लोप की, तो स्लोप का साइन, स्लोप का साइन ये पॉजिटिव क्या है, साइन ऑफ स्लोप, है ना, टेंजेंट की स्लोप का साइन यदि पॉजिटिव से पॉजिटिव रहा तो इसको अपन ने क्या बोला था, एफ डैश जीरो प्लस और एफ डैश जीरो माइनस दोनों क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, तो इसको अपन ने क्या बोला था लास्ट क्लास में, डिस्कस किया था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो यहां पे तो अपन बोलेंगे कि ये क्या है, नन, ना तो लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है, नथिंग। सिमिलरली ये भी क्या है, एफ डैश एक्स यहां भी नेगेटिव और यहां भी क्या है बच्चों, नेगेटिव, तो एफ डैश जीरो तो जीरो है, बट एफ डैश जीरो प्लस और एफ डैश जीरो माइनस दोनों को निकालेंगे तो वो क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा, है ना, है ना, ये आएगा लेस देन जीरो, ये भी क्या आएगा, लेस देन जीरो, है ना, ये दोनों नेगेटिव है, साइन चेंज नहीं हो रहा तो ये फंक्शन क्या है बच्चों, इस फंक्शन का इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू जीरो पे ना तो मिनिमा है ना मैक्सिमा है, नन। क्लियर है बात? इसकी यदि बात करें तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू सी पे नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा, नन। इसकी बात करें तो ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहां पर भी क्या है, नन। समझ में आ रही है बात? तीनों केसेस क्लियर है, तो ये बात कंपलसरी है, यदि डिफरेंशियबल फंक्शन है तो फॉर लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा या लोकल एक्सट्रीमा, एफ डैश
सी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब एफ डैश सी जीरो हुआ, उसके बाद अपन चेक क्या करेंगे, एफ डैश सी प्लस और एफ डैश सी माइनस, है ना। एफ डैश सी प्लस और एफ डैश सी माइनस का साइन यदि सेम है तो या तो दोनों पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दोनों नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यदि एफ डैश, समझ आ रही बात, यदि एफ डैश सी प्लस और सी माइनस का साइन यही याद रखेंगे अपन, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो लोकल मैक्सिमा और नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो लोकल मिनिमा, है ना। पॉजिटिव से पॉजिटिव तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश ए का साइन पॉजिटिव से पॉजिटिव तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव से नेगेटिव तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पॉजिटिव से नेगेटिव तो लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव तो लोकल मिनिमा। ये सिंपल से चार फंडे हैं जो अपने को याद रखने चाहिए, ठीक है। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। तो अपन कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव पे बेस्ड, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो देखते हैं अपन, अपने को क्या निकालना है, फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा इन ऑल दीज फंक्शंस, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर वन शुरू करते हैं अपन। तो अपन ने बोला कि सबसे पहले क्या निकालो, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकाला तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, टू एक्स इंटू ए की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर टू एक्स। तो एफ डैश एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर एक्स, ठीक है, लिख सकता हूं, बोलो। अब इसको देखो ये क्या आ रहा है, तो एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं। इसको अपन ने सिंप्लीफाई किया, ये आएगा 2x इंटू वन माइनस एक्स अपॉन ए की पावर एक्स। ये फंक्शन का साइन स्कीम देखो, एफ डैश एक्स का साइन स्कीम देख लेते हैं, 0 1 1 से बड़े पे ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, वेवी कर्व से देख लिया अपन ने, तो यहां पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमा है या मिनिमा। तो अपन बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो साइन चेंज कर रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, पहले डिक्रीज कर रहा है और फंक्शन उसके बाद क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। तो x इज इक्वल टू जीरो जो पॉइंट है वो होना चाहिए लोकल मिनिमा, ठीक है। x इज इक्वल टू जीरो पॉइंट क्या होना चाहिए, लोकल मिनिमा। सिमिलरली x इज इक्वल टू वन पे क्या कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, पहले इंक्रीज करके फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, dy by dx नेगेटिव का मतलब क्या है, डिक्रीज कर रहा है। तो फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज किया, इसका मतलब क्या है, यहां पे x is equal to 1 पे क्या है, लोकल मैक्सिमा। आगे दोनों पॉइंट, x is equal to 1 तो है लोकल मैक्सिमा और x is equal to 0 क्या है, लोकल मिनिमा। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर टू, ln x upon x, पहले तो इसकी डोमेन देखो, ln x upon x, x मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो फर्स्ट ऑफ ऑल, उसी के अंदर डिस्कशन जो भी लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा को होगा वो किसमें होगा, x ग्रेटर देन जीरो के लिए। डिफरेंशिएशन कर देते हैं बच्चों, f डैश x क्या आ रहा है, f डैश x आ जाएगा ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x इंटू x आ जाएगा 1 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ln x, तो 1 माइनस ln x अपॉन x स्क्वायर, ये आ गया क्या डिफरेंशिएशन। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है 1 माइनस ln x 0 कब होगा, 1 माइनस ln x 0 होगा x इज इक्वल टू e पे, तो e के अबाउट ये अपना साइन चेंज करने वाला है एफ डैश एक्स, तो e के इधर क्या है, e के इधर है पॉजिटिव, पॉजिटिव है या नेगेटिव, e से बड़ा लेने पे क्या आ रहा है, e से बड़ा लेने पे मान लो e स्क्वायर लेते हैं तो 1 माइनस 2 इधर तो आएगा नेगेटिव और इधर क्या है पॉजिटिव, ठीक बात। साइन कैसे अपन ने चेक किया, e से हल्का सा बड़ा वैल्यू लो, e से हल्का सा बड़ा वैल्यू लेंगे तो ln x का साइन क्या आएगा, ln x विल बी नेगेटिव, सॉरी ln x विल बी ग्रेटर देन 1, तो 1 माइनस ln x विल बी नेगेटिव, तो 1 माइनस ln x क्या होगा, नेगेटिव होगा और इसके इधर क्या आएगा पॉजिटिव, और अपन कहां तक चेक करना है, जीरो के इधर ही चेक करना है। तो
जीरो के इधर तो अपने को कोई मतलब नहीं है। तो फंक्शन ई पे क्या होगा, ई पे अपने को बताना है मैक्सिमा या मिनिमा। तो अपन बोलेंगे कि फंक्शन इंक्रीज करके क्या किया, डिक्रीज किया, डीवाई बाई डी एक्स पॉजिटिव से क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज किया, तो यहां पे क्या होना चाहिए, लोकल मैक्सिमा। एक्स इज इक्वल टू ई पे क्या होना चाहिए, लोकल मैक्सिमा। ग्राफ बना सकते हैं अपन, ग्राफ अभी नहीं बनाना है अपने को, बट इसका ग्राफ अपन बहुत आराम से बना सकते हैं, ठीक है। वंस वी नो दी नेचर मोनोटोनोसिटी, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पता लग गया, तो ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है ना, पूरी स्टोरी काफी पता लग जाती है अपने को एफ डैश एक्स करते ही। थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रॉब्लम, ये भी फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबल फंक्शन है, तो अपन ने क्या किया, अच्छा एफ डैश एक्स कर लेते हैं, एफ डैश एक्स क्या आएगा बच्चों, इसका आ जाएगा 2x into x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस x square as it is, x minus 2 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लो, x square as it is, x minus 2 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 into x minus 2, बोलो ये होगा क्या, x minus 2 के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 into x minus 2, क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2x into x minus 2 आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, x minus 2 प्लस एक्स, तो ये क्या आएगा बच्चों, 2x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2x माइनस 2, बोलो सही है बात, तो ये आ जाएगा अपने पास 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो यहां पे साइन चेंज किसके अबाउट हो रहा है, 0, 2 एंड 1, तो बना लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं इसको, 1, 2 एंड 0, 2 से ग्रेटर पे ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव है ना। एफ डैश एक्स का साइन चेक कर रहे हैं बच्चों, अपन किसका साइन चेक कर रहे हैं, एफ डैश एक्स का, फंक्शन एफ ऑफ एक्स का साइन चेक नहीं कर रहे। अपन ने पहले तो देखा एफ डैश एक्स कहां कहां जीरो है, जीरो पे, वन पे और टू पे। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो कहां कहां पे बच्चों, इक्वल टू जीरो कहां कहां पे है, जीरो पे, वन पे और टू पे। फिर इनके अबाउट साइन चेंज कैसे हो रहा है ना, तो प्लस इधर होगा माइनस, इधर होगा प्लस, फिर होगा माइनस। तो ग्राफ यदि अपन वेवी कर्व देखें तो प्लस होगा इधर, माइनस नेगेटिव में जाएगा, फिर पॉजिटिव में जाएगा, फिर नेगेटिव में जाएगा, इस तरीके से वेवी कर्व होगा। तो अपन बोलते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे लोकल मिनिमा या मैक्सिमा, मतलब फंक्शन क्या किया बच्चों, डिक्रीज किया, अच्छा फिर क्या किया, इंक्रीज किया, तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज करके इंक्रीज करना है। नेगेटिव एफ डैश एक्स नेगेटिव का मतलब क्या, फंक्शन डिक्रीज किया, एफ डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब फंक्शन इंक्रीज किया, तो डिक्रीज करके इंक्रीज किया मतलब यहां पे एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, लोकल मिनिमा। इस पॉइंट पे क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज किया, तो इस पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। इस पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, x इज इक्वल टू टू पे है ना, ये है सिनारियो x इज इक्वल टू वन का, x इज इक्वल टू टू पे डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो x इज इक्वल टू टू पे होगा लोकल मिनिमा। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है बात, बहुत ही आसान है। वंस वी नो द कंसेप्ट थिंग्स आर वेरी इजी। तो ये था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और उसका यूज, क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, एफ डैश एक्स करते हैं इसका, एफ डैश एक्स क्या होगा फंक्शन का, 5 एक्स की पावर 4 माइनस 20 एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0। क्या कॉमन आ रहा है यहां पे, 5x स्क्वायर अपन ले लेते हैं कॉमन, अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये क्या आ जाएगा बच्चों, 5x स्क्वायर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक बात, बोलो ये क्या है 5x स्क्वायर। तो कहां कहां पे f डैश x 0 है, कहां कहां पे f डैश x 0 है बच्चों, कहां कहां पे f डैश x 0 है, एक तो है x इक्वल टू 0 पे, एक x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 3 पे। क्लियर है पॉइंट, x इज इक्वल टू 0 पे, 1 पे और 3 पे। 3 के इधर क्या होगा, पॉजिटिव, 3 के इधर f डैश x क्या आएगा, नेगेटिव, 1 और 3 के बीच में क्या आएगा, नेगेटिव, फिर f डैश 1 हो गया 0।
फिर वन के इधर वापस क्या आएगा, पॉजिटिव। बट क्या जीरो के अबाउट एफ डैश एक्स साइन चेंज करेगा, क्योंकि जीरो प्लस पे भी ये क्या है, पॉजिटिव, और जीरो माइनस पे भी क्या है, जीरो प्लस रखने पे ये क्या होगा, ये दोनों नेगेटिव आएंगे, ये पॉजिटिव आएगा। तो जीरो प्लस पे भी ये पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो जीरो प्लस पे साइन चेंज नहीं होगा, इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव। तो अपन बोल सकते हैं पॉजिटिव से पॉजिटिव हुआ, तो यहां पे x इज इक्वल टू जीरो पे लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा क्या होना चाहिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि f डैश जीरो माइनस और f डैश जीरो प्लस दोनों ही क्या है, पॉजिटिव। दोनों यदि पॉजिटिव है तो ये क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है एट दिस पॉइंट। बोल सकते हैं अपन, बोलो ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा की बात करें तो x इज इक्वल टू जीरो पे है नन, नाइदर मिनिमा नाइदर मैक्सिमा। x इज इक्वल टू वन पे बच्चों क्या है, x इज इक्वल टू वन पे पॉजिटिव मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज किया, इंक्रीज करके डिक्रीज किया, तो x इज इक्वल टू वन इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। समझ में आ रही ना बात, इंक्रीज करके डिक्रीज किया, पॉजिटिव से नेगेटिव इंक्रीज करके डिक्रीज किया। x इज इक्वल टू थ्री पे बच्चों, x इज इक्वल टू थ्री पे क्या है, डिक्रीज करके इंक्रीज किया, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। समझ में आ रही है, के बाद क्लियर है पॉइंट, परफेक्ट। ये था क्वेश्चन नंबर फोर, काफी आसान है। यहां पे ध्यान देना था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो पे क्या है, चेंज नहीं कर रहा है ना, एक्स स्क्वायर की वजह से एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा, तो एफ डैश एक्स का साइन चेंज उस पॉइंट के अबाउट नहीं हो रहा, तो उस पॉइंट पे ना तो लोकल मैक्सिमा होगा ना लोकल मिनिमा होगा। x की पावर x है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर x, तो फंक्शन अपने पास ये दिया हुआ है, तो f ऑफ x को मैं रीराइट कर लेता हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर x था, इसको अपन लिख सकते हैं e टू द पावर x ln ऑफ x, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, लिखते आ रहे हैं अपन ये, f डैश x क्या आ जाएगा बच्चों, f डैश x आ जाएगा e टू द पावर x ln x, x ln x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1 ln x प्लस ln x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 by x, तो ln x plus 1, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अब देखो e to the power x ln x तो साइन चेंज करने से रहा, ये तो साइन चेंज करेगा नहीं, क्योंकि x क्या है मान लो पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है x की पावर x की, x मस्ट बी पॉजिटिव। अब बात करते हैं अपन 1 plus ln x का, तो 1 plus ln x is equal to 0 करते हैं अपन, तो x is equal to क्या आ जाएगा यहां पे, x is equal to ln x is equal to minus 1, x is equal to minus 1 by e, तो f dash x is equal to 0 का क्या रूट आ रहा है, x is equal to minus of 1 by e। अब जो भी साइन चेंज होगा minus of 1 by e के अबाउट ही होगा, तो अपन बोलेंगे कि अच्छा ग्राफ बना लेते हैं अपन इसका, वेवी कर्व x is, sorry, minus 1 by e नहीं, 1 by e, x is equal to 1 by e है ना, x e की पावर minus 1, e की पावर माइनस वन, दैट इज x इज इक्वल टू वन बाई e है ना, करेक्ट कर लो इसको, x इज इक्वल टू वन बाई e आ गया पॉइंट है ना, माइनस में तो डोमेन में नहीं है, है ना, वो कैसे ले सकते हैं, x इज इक्वल टू वन बाई e पे जीरो से तो बड़ा ही होगा। अब वन बाई e से बड़ा कोई वैल्यू ले, अपन चेक करना चाह रहे हैं कि वन प्लस ln x का साइन इससे बड़ा वैल्यू लेने पे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, x इज इक्वल टू ई रख के देख लो, 1 प्लस ln ई क्या है, 2 पॉजिटिव है ना, इसके इधर तो क्या आएगा पॉजिटिव, मतलब साइन चेंज तो करेगा ही, इसके इधर क्या है नेगेटिव, 1 प्लस ln x का एक पावर 1 ही है, तो साइन चेंज इसके अबाउट ये करेगा, तो 1 बाई ई के अबाउट साइन चेंज किया कैसे, नेगेटिव मतलब डिक्रीज किया, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज किया, मतलब यहां पर क्या है बच्चों लोकल मिनिमा, x इज इक्वल टू वन बाई पे क्या है बच्चों लोकल मिनिमा। ये नेगेटिव साइन किसका है, f डैश x का, ध्यान रखें ये नेगेटिव साइन किसका है, f डैश x का। तो इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या अपन, x की पावर x का, x की पावर x का ग्राफ बना सकते हैं क्या, बोलो बिल्कुल बना सकते हैं अपन x की पावर x का ग्राफ है ना। इसके लिए थोड़ी सी लिमिट वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी कि x टेंडिंग टू जीरो पे इसका लिमिट क्या आएगा, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी है, x टेंडिंग टू जीरो प्लस पे इसका लिमिट तुमने निकाला होगा क्या आता है 1, तो ग्राफ इसका कैसा होगा देखो बच्चों, इसका ग्राफ यदि बनाना चाहे
बना लेते हैं, 1 बाई ए की पावर 1 बाई ई होगा किस पे, x इज इक्वल टू 1 बाई ई पे, 1 बाई ई पे होगा 1 बाई ए की पावर 1 बाई ई, है ना। ये पॉइंट क्या है, 1 बाई ए की पावर 1 बाई ई, y की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे ये किसको अप्रोच करता है, 1 को, तो 1 पे गोला अप्रोच करेगा, 1 प्लस पे वैल्यू निकाल, 0 प्लस पे वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू 1 पे 1 होगा। अब यहां पे 0 से 1 बाई ई में क्या है, ये डिक्रीज कर रहा है, 0 से 1 बाई ई में ये क्या कर रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है, इस पे मिनिमा। तो ओवरऑल यदि फंक्शन का यदि ग्राफ देखें, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, है ना, 0 से 1 बाई ई तक डिक्रीजिंग फंक्शन, नेगेटिव स्लोप है ये और इधर पॉजिटिव स्लोप, तो 1 बाई ई पे बच्चों क्या है, मिनिमा। तो इस तरीके से किसी भी फंक्शन का अपन क्या बना सकते हैं, ग्राफ, कोई भी फंक्शन अब अपन ग्राफ बना सकते हैं उसका, क्योंकि अपन अब उसका डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग नेचर जानते हैं। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। खुद से करना इस फंक्शन को होमवर्क, एफ डैश एक्स करना आसान सा एफ डैश एक्स है, कर लोगे तुम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन को अपन बोलते हैं कि अच्छा डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते, तो इसका लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा अपन कैसे निकालेंगे, तो अपन बोलते हैं कि अच्छा है कि ये कंटिन्यूअस तो है फंक्शन, पहली बात ग्राफ बना सकते हैं क्या अपन, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, अपन ने बोला कि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक बात। पहली बात, ये फंक्शन क्या है, एफ ओ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ओ एक्स, फंक्शन क्या है, इवन, या सीधा एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ बना दो और उसका क्या ले लो, मोड। तो इसका ग्राफ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ होता है ऐसा कुछ, इसका मोड लेने का मतलब अपने अपने को क्या है, यही तो चाहिए। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का मोड। अब अपने को क्या बताना है, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। सही है बात, बोलो। तो ग्राफ से अपने को समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट है लोकल मिनिमा, ये पॉइंट क्या है, लोकल मिनिमा, और ये पॉइंट क्या है बच्चों, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे लोकल मैक्सिमा। क्लियर है पॉइंट, x इज इक्वल टू माइनस वन एंड वन इज कॉरस्पॉन्डिंग टू लोकल मिनिमा और x इज इक्वल टू जीरो इज कॉरस्पॉन्डिंग टू लोकल मैक्सिमा। ठीक बात, तो ये बात अपने को ग्राफ से समझ में आ जाएगी, या अपन बोलेंगे कि अच्छा x स्क्वायर माइनस वन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो, है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू वन और x इज बिटवीन जीरो टू वन, ब्रेक करते ही फिर उस फंक्शन को अपन डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, उस फंक्शन की पूरी स्टोरी जानते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, उसके बाद में तो कंटिन्यूअस है तो एफ डैश वाला काम तो करेगा ना वहां पे, समझ में आ रही बात, एफ डैश वाली चीजें तो काम उसमें करेगी। 7 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अपने को क्या बताना है, ग्राफ बना लो इसका, और ग्राफ बना के अपन क्या है, बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अपन ने सॉल्व करवाया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, ये आता है 2 tan इनवर्स x व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 1, ठीक है, क्योंकि उस केस में क्या आता है, tan इनवर्स x की वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में, तो ओवरऑल फंक्शन क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, तो दोनों तरफ डोमेन मैच कर रही है, ये भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, ये भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1, एक्स जब ग्रेटर देन 1 होता है तो फंक्शन आता है माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई, है ना, एक्स जब लेस देन माइनस 1 होता है तो फंक्शन आता है माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई। तो ये अपन इनवर्स ट्रिगो में पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ ग्राफ निकलता है, इसकी हेल्प से अपन ने ग्राफ बनाया था वहां पे। ग्राफ क्या आता है इसका, x माइनस वन से वन में, वन में तो क्या किसको फॉलो करता है, टू टेन इनवर्स x को ही फॉलो कर रहा है, ठीक है, सॉरी टेन इनवर्स x ना,
टू टेन इनवर्स एक्स को ही फॉलो करता है ये, ठीक है। उसके आगे क्या होगा, माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, तो ऐसा कुछ इसका ग्राफ। फिर से एक बार याद करना, जो प्रीवियस लेक्चर है इनवर्स आईटीएफ के, उनमें जाके देखोगे तो इसका ग्राफ तुम्हारे को बना हुआ मिल जाएगा। तो वहां पे जो ग्राफ बनाया है उसी की अपन हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा ग्राफ जो होगा, नो सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो कहां कहां पे मिनिमा है, कहां कहां पे मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा अपन बोल सकते हैं कि एक तो ये पॉइंट हुआ, एक ये पॉइंट हुआ, यहां पे क्या है लोकल मैक्सिमा है, ये क्या है एक्स इज इक्वल टू वन पे, और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे क्या है बच्चों, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे क्या है लोकल मिनिमा है। इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे कुछ नहीं है, ग्राफ पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, यहां भी एफ डैश एक्स क्या है पॉजिटिव है, तो नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। यहां से यहां कैसे आए होंगे ये अपन आईटीएफ में पढ़ चुके हैं, तो यदि भूल गए हो तो एक बार आईटीएफ वाला लेक्चर जाके देख लो, समझ में आ जाएगी चीजें। तो आई होप आज की क्लास में जो अपन ने पढ़ा है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ये समझ में आया होगा। इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अपने सीखा है, नेक्स्ट क्लास में अपन सीखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, या सेकेंड डेरिवेटिव और हायर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।